आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। सरस्वती शिशु मंदिर के संचालन समिति का पुनर्गठन। तरुण वाणी बने अध्यक्ष, देवेंद्र गुड्डू सोनी चुने गए सचिव। नान पर सरस्वती शिशु मंदिर के संचालन समिति का पुनर्गठन किया गया। विद्या भारती मालवा प्रांत समिति के इकाई द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर के संचालन समिति का प्रांतीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में 23 जुलाई मंगलवार को पुनर्गठन किया गया। शांति मंत्र उच्चारण के बाद सर्वप्रथम विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष तरुण वानी ने समिति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर अपना वक्तव्य रखा। साथ ही पुराने समिति को भंग करने की घोषणा कर प्रांतीय प्रतिनिधि से नई समिति गठन करने की अनुशंसा की। इस दौरान सर्वसम्मति से स्वामी विवेकानंद विद्यालय के बलिराम बेलोरे, प्रांतीय प्रतिनिधि जवाहरलाल जैन ने सभी के समक्ष नई समिति की घोषणा की। इसमें तरुण लीलाराम वाणी, अध्यक्ष राजेश परसराम राठौड़, उपाध्यक्ष देवेंद्र गुड्डू, कन्हैयालाल सोनी, सचिव विजय ओम प्रकाश नाहर, सह सचिव विवेकानंद रामेश्वर गुप्ता, कोषाध्यक्ष हितेंद्र बलदेव माली, कुलदीप धनराज राठौड़, सदस्य मनोहर लाल रमनलाल वाणी, अभिभावक प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद विद्यालय अलीराजपुर के बलिराम बेलोरे, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर के ललिता दीदी चौहान, प्रधानाचार्य महोदया, विद्यालय परिवार के आचार्य दीदी उपस्थित थे। सभी पदाधिकारियों को समिति के संरक्षकों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अंत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष तरुण लीलाराम वाणी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात सभा को भंग किया गया। नानपुर से जितेंद्र प्रसाद वाणी की रिपोर्ट।